क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आजमगढ़ में आर यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो वायरल, सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ते आ रहे नजर। कानपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ उद्घाटन, डीएपी कॉलेज में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गाजीपुर में गैस सिलेंडर फटने से दो लोग घायल, गैस वेल्डिंग दुकान में फटा सिलेंडर। आजमगढ़ में इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। लखनऊ में महिला को कुत्तों ने झुंड कीड़ा बनाया निशाना, पैर पर काट कर किया जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता का दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, तो वहीं जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए, जिसके बाद सीएम योगी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि दुनिया जब कोरोना से पस्त थी, तब भारत के यशस्वी नेतृत्व किया था। घोल करके उसको वापस फिर भेजा राजा के पास। संदेश साफ था, उनका संदेश साफ था कि हम भारत के अंदर वैसे ही रहेंगे जैसे दूध में चीनी मिलकर के रहती है। यानी हम कोई भार नहीं वजन बनेंगे, हम बल्कि एक नई उपलब्धि के साथ भारत के विकास में योगदान देंगे। और आप देख रहे होंगे पारसी समुदाय भारत के विकास में उसी मजबूती के साथ जुड़कर काम कर रहा है। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में टाटा का नाम हम याद करते हैं, बड़े सम्मान के साथ लोग लेते हैं भारत के विकास के लिए। उन्होंने जिस रूप में अपना योगदान दिया वो हम सबके सामने है। कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है दुनिया के अंदर जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण न दी हो। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्र मसरूर अब्बास अचानक लापता हो गए। वहीं कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर से अलीगढ़ पुलिस को लापता छात्र की तलाश करने के लिए ट्वीट किया, तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ पुलिस के द्वारा मामले में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। पूरे मामले में अलीगढ़ पुलिस के द्वारा एक सीसीटीवी जारी किया गया है, जिसमें कश्मीरी छात्र स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। पूरे मामले में जांच पड़ताल कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। महेंद्र प्रताप सिटी स्कूल मन्ना देवी में अध्ययनरत कक्षा 10 का छात्र मसरूर अब्बास मीर 8 तारीख को कहीं चले गया था, जिसके संबंध में उसके मौसेरे भाई ने तहरीर दी थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और तफ्तीश करने पर यह जानकारी हुई थी कि इसके द्वारा रामगढ़ रोड पर एक ATM से 5,000 रुपये निकाले गए, और उसके बाद रेलवे स्टेशन पर अकेले स्वतंत्र रूप से घूमते हुए एक CCTV फुटेज प्राप्त हुआ था, जो कि 8 तारीख को दिन के 10 बजे का था। यह CCTV फुटेज सभी लोगों में सर्कुलेट किया गया है, और इस पे बैग लटका के घूमते हुए संबंधित छात्र का अगर किसी को भी पता लगे तो उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर और थाना सिविल लाइंस तथा क्षेत्राधिकारी तृतीय को सूचित करने की कृपा करें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो मसरूर अब्बास मीर साहब है, जो जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, एक कल से गायब हैं, कल 10 बजे से तकरीबन ये गायब हैं। तो इस हवाले को लेके हालांकि हमने AM एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल प्रशासन जो है उनसे रब्ता करने की भरपूर कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि हम इसकी इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड उनकी तरफ से नहीं मिला है।
हरदोई में नगर निकाय चुनाव को लेकर एसपी राजेश द्विवेदी सख्त मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते आईजी तरुण गाबा के जनपद भ्रमण के बाद एसपी ने 4 निरीक्षक और 1 उपनिरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है, जिसमें 3 थानेदारों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। जनपद भ्रमण के दौरान आईजी तरुण गाबा ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए निर्देश दिए थे और कहा था किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही आईजी ने सभी निरीक्षक और उप निरीक्षक को तत्काल नवनियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। देवरिया के पत्थर देवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज श्रीवास्तव ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक और कारें शामिल थी। इस दौरान हजारों लोग मौजूद रहे। वहीं नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि नगर पंचायत के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अभी डबल इंजन की सरकार, इसे हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर नगर पंचायत के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और पूरे देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो इसको ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए हम लोग रैली निकाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। औरैया में एरवा कटरा थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 5 शिकायतें आईं, तो वहीं 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 2 शिकायतों का बहुत जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। सूरजपुर एरवा के महेश सिंह एरवा कटरा थाना परिसर से नायब तहसीलदार प्रतिभा पाल को शिकायती पत्र देकर बताया गया कि गांव के दबंग लोगों ने 15 बीघा सहकारी चारा जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत उन्होंने काफी बार की लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं नायब तहसीलदार प्रतिभा पाल ने संज्ञान लेते हुए मौजूद लेखपाल को जांच कराकर कार्यवाही करने की बात कही। इस मौके पर सीओ और थाना अध्यक्ष जीवाराम के अलावा बड़ी संख्या में राजस्व टीम मौजूद रही। हमारे यहाँ सब चरागाह है, 15 बीघा का लगभग है और उसके पास में ही गौशाला है, तो उस पर जो है गांव के 4-5 लोग हुए हैं, दबंग किस्म के लोग हुए हैं, उस पर गेहूँ हुए कब्जा किए हुए हैं लगभग आधी भूमि से अधिक पर। अभी तक आपने किसी से शिकायत? मैंने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को और एडीएम साहब को सबको प्रार्थना पत्र भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ और कब्जा बरकरार है। लखनऊ में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आवारा कुत्ते राह चलते लोगों को लगातार निशाना बना रहे। ताजा मामला लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सृष्टि अपार्टमेंट के जी ब्लॉक का है, जहां शाम को टहल रही एक महिला को कुत्तों ने पैर में काटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पीड़िता ने बताया कि वह हर रोज की तरह परिसर में शाम को वॉक कर रही थी, अचानक एक कुत्ते ने सामने से हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। उसके बाद 5 से 6 कुत्तों ने मिलकर पैर पर हमला कर दिया। पीड़िता ने बताया कि इस परिसर में साल भर के अंदर 7वीं घटना है, पहले भी कई बच्चों की इन कुत्तों का निशाना बना चुके हैं। हम इवनिंग वॉक पर निकले थे शाम को, तो अचानक 4-5 कुत्ते आ गए, हमको अटैक कर दिया। हम वहाँ अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे तो हम गिर पड़े, कुत्तों ने हमें पकड़ के खींच लिया और हमको काट लिया। और इस तरह की घटना 1 साल से हो रही है, अब ये नगर निगम कोई एक्शन नहीं लेती है। तो अभी आपको जो यहाँ पर जो कल कुत्ते ने इस तरह से गिराया है, तो इसके पहले भी ये घटना यहाँ? कानपुर में आज़ादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में डीएवी कॉलेज कानपुर में आईसीएसएमआर की नई दिल्ली ने 2 दिन का राष्ट्रीय संगोष्ठी भारत की साइबर सुरक्षा चुनौतियां एवं विकल्प के उद्घाटन सत्र का प्रारंभ किया। महाविद्यालय के सभागार में उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर वीके दुबे ने किया। इस दौरान मंच पर चेयरपर्सन के रूप में वरिष्ठ सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डीएवी कॉलेज कानपुर, मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में माननीय न्यायमूर्ति वीएन श्रीकृष्णा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय अतिथियों ने सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित डीएवी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया गया। ये इंडिया साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड ऑप्शंस इस विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित थी, जिसके मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस हैं और डेटा ड्राफ्टिंग बिल के कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने अपना अभिभाषण दिया है।
खबर गाजीपुर से है, जहां गैस सिलेंडर फटने से दो लोग घायल हो गए। एक गैस वेल्डिंग दुकान में सिलेंडर फटा, जिसकी चपेट में आने से दो युवक घायल हो गए। पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के टेड़वा इलाके की है, जहां वेल्डिंग करने की दुकान में वेल्डिंग करते वक्त ये हादसा हुआ। तो वहीं घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर, एक जावेद करके हैं, जिनके पेट में लैसरेटेड डीप वुंड है और दाहिने जांग में जो है लैसरेटेड वुंड है, और दूसरे कौशल करके हैं, जिनके दाहिने स्कैपुलर रीजन पे जो है लैसरेटेड वुंड है, जो कि मसल डीप है। बिजनौर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर के मंडावर थाना पुलिस ने एक शातिर चोर गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी के ट्रैक्टर और दो चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध शस्त्र बरामद किया गया। तो वहीं अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने प्रेस वार्ता कर आज इस घटना का खुलासा किया। चेकिंग के दौरान मंडावर पुलिस के द्वारा दो मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया बालावाली की तरफ से। उसको रोकने का जब प्रयास किया तो दो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। एक मोटरसाइकिल वाला पकड़ा गया, ट्रैक्टर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि ट्रैक्टर इन्होंने विगत 3 तारीख को पथरी थाना क्षेत्र से इन्होंने चोरी किया था। आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में गोली मारकर चैन छीनने की घटना के अपराधी की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें वो घायल हो गया। वहीं मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर के घुटने और पिंडी में दो गोली लगी है, जिसके बाद आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और 3 खोखा मिले हैं। साथ ही लूटी हुई एक सुपर स्प्लेंडर बाइक और सोना बरामद हुआ है। गोली मार के अंगूठी और चेन छीन ली गई थी। इसके संबंध में थाना बरदा पर FIR नंबर 383/22 धारा 394 IBC पंजीकृत किया गया था। इसके अनावरण के लिए सिवालगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायर किए गए अपनी अवैध पिस्टल से। पर्याप्त चेतावनी के बाद आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दाहिने पैर में, घुटने में और उसके नीचे 2 गोलियां। आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें RUC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो वहीं मौलाना आमिर रशादी के सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू जागरण में आक्रोश दिख रहे हैं। साथ ही हिंदू जागरण ने आजमगढ़ पुलिस को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।